हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए इनकम टैक्स का जो पेपर है आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स 2021 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं। जो भी छात्र एमजेपी आर्य रोहलखंड से हो, या फिर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, काशी विद्यापीठ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 85% दिला के रहूंगा। बस इतना याद रख लीजिए, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आपके पास में उसमें ये क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप टिक लगा लो। आप बिहार वाले जो भी छात्र हैं या फिर उत्तराखंड वाले जो भी छात्र हैं, एमपी से भी हैं, तो वो भी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अपने बुक नोट्स पर टिक लगा लो। यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इस बात को याद रखना, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस आप इन क्वेश्चनों को याद रखना हमेशा। बस क्या करना है, मैं लिखने का तरीका भी बता चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो पहले याद हो, क्वेश्चन पेपर में पेपर देने जाओगे जो क्वेश्चन तुम्हें याद हो पहले, वो क्वेश्चन को करना, जो नहीं है उसको छोड़ देना है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको बाद में दिमाग लगाना है। जितना तुम्हें याद है पहले वो करिए, उसके बाद में जो याद नहीं है उसको करो और बना बना के करो, लेकिन करके जरूर आना है। क्वेश्चन के ही आधार पर बनाना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% सेम टू सेम बनेंगे, कोई इशू नहीं, बदला बदला भी नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन रखे होंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल और दे रखा है जिसका नाम है बीकॉम पेपर हैकर के नाम से, बीएससी पेपर हैकर, बीए पेपर हैकर, तो इस प्रकार से पेपर है। तो आप बीकॉम पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप बीकॉम के छात्र हैं और बीकॉम के लिए आपको इंपोर्टेंट होगा। यहां देखेंगे सबसे पहले, यहां कह रहे हैं पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे कि आयकर क्या होता है, आयकर पर लगने वाला कर क्या है। देखो आयकर और आयकर पर लगने वाला कर, ठीक है, उसकी विशेषता और उसके लक्षण को याद कर लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। कृषि आय के प्रकार कितने हैं, उनके लक्षण क्या है, कर नियोजन का अर्थ, उसके महत्व और उद्देश्यों के बारे में पढ़ लेंगे। कर नियोजन क्या होता है, उसके महत्व क्या होते हैं, उसकी उद्देश्य क्या है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है मुक्त कर आय क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। अनुलाभ क्या होता है, मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का अर्थ या फिर नियम क्या होता है, इसको पढ़ लेना आप थोड़ा सा। उसके बाद में नीचे चलेंगे और पूंजी लाभवाद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूंजी लाभ प्रकार, पूंजी लाभ प्रकार और उसके नियम को देख लेंगे। साथ ही साथ हास का अर्थ क्या होता है और हास का नियम क्या होता है, इसको पढ़ लेंगे। और यह बोला है कि हानियों की पूर्ति से क्या आशय, मतलब कोई इसको हानि हो गया, किसी को कोई हानि हो गई और उसकी पूर्ति से क्या आशय है और उसके नियम क्या है, ये पढ़ लेंगे। आपके बुक नोट्स में ये पूरा लिखा होगा। विभिन्न आयकर, देखिए कह रहा है विभिन्न आयकर प्राधिकारी, इसके बारे में पढ़ लेंगे। विभिन्न आयकर प्राधिकारी क्या होते हैं, अपील के, यहाँ अपील विधि क्या होती है, देखिए अपील के यहाँ अपील की विधियां क्या होती है, मतलब अपील करना मतलब किसी से अपील कर या रिक्वेस्ट करना, ये अपील कहना था। अपील के यहाँ अपील की विधियां क्या होती हैं, उन विधियों को याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे। इसमें इनकम टैक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। कर के देखो कह रहा है कर के ये भुगतान की आशा के लिए और देखिए अर्थदंड से संबंध क्या है, इसको आप पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल इनकम टैक्स से रिलेटेड होते हैं। अब इनकम टैक्स से रिलेटेड जब आपके क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है, हम कैसी प्रॉब्लम होती है मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, बस इतना याद रखना जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो और में पूछे जाते हैं, मतलब क्या है, अथवा में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उसके अथवा के नीचे क्वेश्चन होगा तो उसके अथवा में थ्योरी दी होगी, मतलब आप थ्योरी या अथवा कुछ भी कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, थ्योरी करना चाहते हैं तो थ्योरी कर सकते हैं, वो अथवा में क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, वो क्वेश्चन को पढ़ लेना है, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप कराओगे। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, ये कहता है करदाता की परिभाषा को बताइए, ये इंपोर्टेंट है। करदाता किसे कहते हैं, सकल कुल आय और व कुल आय में अंतर, देखिए एक होता है कुल आय एक होता है सकल कुल आय, इन दोनों में अंतर पूछ लेता है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये है खिलावटी
लेन देन क्या होता है, सॉरी दिखावटी लेन देन, दिखावटी लेन देन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। चिकित्सा सुविधा पर टिप्पणी बताइए, ये इंपोर्टेंट है, चिकित्सा सुविधा पर टिप्पणी आपको देख लेनी है। व्यवस्था पेशा व्यापार, देखो व्यवस्था किसे कहते हैं, पेशा किसे कहते हैं, व्यापार किसे कहते हैं, इनका अर्थ, और साथ ही साथ धारा जो है देख रखना, धारा 80C, 80D और 80G, ये तीनों धाराओं को याद कर लेना है, ये इंपोर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है देखो कर कटौती खाता संख्या क्या होती है, कटौती होगा बेटा यहां देखो, कर कटौती खाता संख्या जिसे हम TAN कहते हैं और PAN भी है, एक होता है TAN एक होता है PAN, जिसे स्थाई खाता संख्या कहते हैं, ये क्या होता है कर कटौती खाता संख्या जिसे TAN कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। एक होता है PAN जिसे स्थाई खाता संख्या कहते हैं, इसके बारे में देख लेना, बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना यार। एक मान लो एक क्वेश्चन ज्यादा, एक पेपर है जिसमें से 15 से 17 क्वेश्चन यदि आपको दे दिए जाते हैं तो कोई ज्यादा नहीं होते हैं 15 से 17 क्वेश्चन पढ़ना, मतलब कि यहां से आपको टोटल की टोटल फंस रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं फंसेगा, 85% लिख के ले लेना, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे 85%। आप जैसे ही पेपर हो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, ऐसे ही लाइव आकर सेम टू सेम, कोई इशू नहीं है मुझे, मैं भरोसा दिला सकता हूं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन वहीं आए हैं, पहले पेपर पहले की वीडियो देख लेना, चैनल पे बहुत सारी पड़ी है, और उसके बाद में जो पेपर हुए थे वो पेपर को भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई देखो जो क्वेश्चन मैंने दिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे और एक वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।